भारत जोड़ो अभियान के तहत योगेंद्र यादव दो दिवसीय विदर्भ दौरे पर हैं। इसी दरमियान उन्होंने पत्रकारों से चुनावी मुद्दे पर आयोजित पत्र परिषद में संवाद साधा। विधानसभा चुनाव का बिगुल महाराष्ट्र में बज चुका है। आपको बता दें कि राज्य में महायुति और महाविकास आघाड़ी में चुनाव का रण संग्राम होगा। इसी के मद्देनजर संविधान बचाओ लोकशाही बचाओ का नारा फिर से गूंज रहा है। इस नारे के तहत भारत जोड़ो अभियान द्वारा महाविकास आघाड़ी को समर्थन दिया गया है। देश में नागपुर के बारे में एक दूसरा मुहावरा चल निकला है, हम उसमें विश्वास नहीं करते। हमारे लिए आज भी ये बाबा साहेब की भूमि है, सामाजिक न्याय की भूमि है, और इस अवसर पे मैं भारत जोड़ो अभियान की तरफ से यहाँ नागपुर के, विदर्भ के, महाराष्ट्र के सभी साथियों को वंदन करता हूँ। भारत जोड़ो अभियान देश भर के जन आंदोलनों और जन संगठनों का एक प्लेटफॉर्म है, एक फोरम है, गठबंधन नहीं है। देश के जितने भी संगठन, दलित, आदिवासी, महिला अधिकार, अल्पसंख्यक, युवा, बेरोजगारी पे करने वाले, किसान के साथ काम करने वाले, राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, तमाम मुद्दों पे जनता के साथ संघर्ष करने वाले जितने भी संगठन हैं, जो महसूस करते हैं कि इस वक्त संविधान पे, देश पे, लोकतंत्र पे, गणतंत्र पे खतरा है, उन तमाम समूहों ने फरवरी 2023 में, 2023 फरवरी में ये फैसला किया था कि हम भारत जोड़ो अभियान नामक एक मंच बनाएंगे, जिसके जरिए हम सब एक साथ मिलकर अपनी ऊर्जा इस लोकतंत्र और गणतंत्र पे आसन्न खतरे का मुकाबला करने के लिए लगाएंगे। तब से अब तक भारत जोड़ो अभियान की भूमिका ये रही है कि हम खुद चुनाव न लड़ते हैं न लड़ेंगे। हम में से कुछ साथी अपेक्षाकृत छोटी पॉलिटिकल पार्टीज के भी थे, उन्होंने भी कहा कि हमारी पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी। इस समय जो देश पर खतरा है, केवल उसका मुकाबला करने के लिए हम अपनी पूरी ऊर्जा लगाएंगे। ये काम हमने कर्नाटका में किया, विधानसभा चुनाव में, तेलंगाना में किया, मध्य प्रदेश में किया, राजस्थान के विधानसभा चुनाव में किया, और उसके बाद देश में लोकसभा चुनाव में 543 में से 150 सीट पर भारत जोड़ो अभियान के साथियों ने काम किया। मुझे बेहद खुशी है कि महाराष्ट्र की 48 में से 26 सीट पर हमने ये काम किया। महाराष्ट्र हमारे काम का सबसे सघन क्षेत्र था। मैं ये नहीं कहता कि हमारे कारण परिणाम आए, इस देश की जनता के कारण परिणाम आए, उसमें हमने भी अपना योगदान किया। लोकसभा चुनाव ने इस देश में संविधान, लोकतंत्र, गणतंत्र पर आसन्न खतरे पर एक ब्रेक लगाई, लेकिन काम अधूरा था। उसने जो तानाशाही की तरफ देश बढ़ रहा था, उस पे टेम्परेरी ब्रेक जरूर लगाया, लेकिन गाड़ी रिवर्स नहीं हुई है। और अभी जिस रास्ते पे हम 15 अगस्त 1947 को चलना शुरू हुए थे, उस रास्ते पे वापस आके चलना शुरू नहीं किए। तो भारत जोड़ो अभियान ने तय किया कि हमारा काम अभी अधूरा है, आंशिक काम हुआ है, इसे पूरा करने के लिए हम आने वाले तमाम विधानसभा चुनावों में काम करेंगे। हमने ये काम हरियाणा में किया, हमें सफलता नहीं मिली। जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन को सफलता मिली, लेकिन वहां भारत जोड़ो अभियान का कोई योगदान नहीं था, हमारी वहां उपस्थिति नहीं है। हरियाणा के परिणाम के कारण अब हमारी चुनौती और बढ़ गई है, और हमेशा ये देश बड़े बदलाव के लिए महाराष्ट्र की तरफ देखता है।
लोकसभा चुनाव में भी जिन दो बड़े राज्यों ने, देश के दो सबसे बड़े राज्य जिन्होंने इस देश को बचाने का काम किया, वो उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, इन दोनों ने ये काम किया। आज फिर यही चुनौती महाराष्ट्र में है। याद रखिए, चूंकि पिछले 10 दिन से बार बार बीजेपी की तरफ से ये अभियान, 15 दिन से बीजेपी की तरफ से अब यह अभियान चलाया जा रहा है, मानो हरियाणा के परिणाम ने पूरे लोकसभा चुनाव को भुला दिया है, ऐसा उनका प्रयास रहता है। बीजेपी की एक बात में मैं दाद देता हूं कि वो पत्ते के सहारे सूरज को छुपा सकते हैं। ये क्षमता साधारण लोगों में नहीं होती, लेकिन बीजेपी में है क्षमता, एक पत्ता लेके वो पूरा सूरज ढक सकते हैं। कैसे? सूरज को तो ढक नहीं सकते, पर आपकी आंख के ऊपर पत्ता रख सकते हैं जिससे सूरज छुप जाएगा। तो पिछले 15 दिन से यही प्रयास इस देश में चल रहा है, पत्ते के सहारे सूरज को छुपाने की कोशिश चल रही है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।